अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर जैदी की बुक का चैप्टर नंबर 19 सोशल सेक्टर के ऊपर जो बेस करता है उसका हम पार्ट 3 जो है वो आज कवर करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में बेसिकली हम एजुकेशन के टॉपिक को लेके चलेंगे और उसके ओवरऑल जो उसकी हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान और उसके साथ साथ जो करंट सिनेरियो है पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर का, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या ट्रेंड्स हैं और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर हम एजुकेशन के स्टैटिस्टिक्स को देखें, ठीक है, तो एक बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टैटिस्टिक है जिसको हम लिटरेसी कहते हैं, ठीक है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, लिटरेसी रेट जो है ये प्रॉक्सी होता है, ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है किसी भी इकॉनमी की हेल्थ के लिए। ठीक है, जिसका एक मेजर कंपोनेंट जो है वो लिटरेसी रेट होता है। ठीक है, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा लोएस्ट है अमंग हैविंग GNP पर कैपिटा क्लोज टू लेवल कंट्रीज। ठीक है, हमारे जो साथ के ममालिक हैं यानी जिनका GNP लेवल हमारे से इक्वलेंट है, ठीक है, अगर उनके साथ कंपैरिजन हम अपना करें तो हमारा जो लिटरेसी रेट है उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा हमें कम नज़र आता है। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि लिटरेट होता कौन है पाकिस्तान की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम अगर देखें तो लिटरेसी रेट जो है वो मेजर करती है ऐसी परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि 15 साल से ऊपर हो, ठीक है, 15 साल या 15 साल से अबव, और जो कि एबल हो लिखने या पढ़ने के काबिल हो, ठीक है, या वो इजी लैंग्वेज जो है वो पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। ठीक, सो हम कह सकते हैं कि लिटरेट वो एक बंदा है जो कि आसान जुबान जो है आसान जुबान में लिख भी सकता हो और पढ़ भी सकता हो, या फिर अगर हम इसको और मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा इंसान जो कि अपना नाम इवन लिख और पढ़ सकता है, ठीक है, या कुछ इसी तरह के छोटे हरूफ जो हैं वो लिख सकता है, वो उसको हम लिटरेट की डेफिनेशन में डाल देते हैं। ठीक है, जो कि एक बहुत ज़्यादा मिनिमल डेफिनेशन है हमारे लिए। 2019 में जो सर्वे हुआ पाकिस्तान में उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान का जो टोटल लिटरेसी रेट था वो तकरीबन 58% था। ठीक है, विद लेस देन 46.49% ऑफ वुमेन, ठीक है, बीइंग लिटरेट एंड मोर देन 69.29% ऑफ मैन जो हैं वो लिटरेट हैं, यानी 46.49 वुमेन लिटरेट हैं और तकरीबन 70% जो हैं वो मर्द जो हैं वो लिटरेट हैं, लिटरेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। अ फीमेल लिटरेसी रेट वॉज वेरी पुअर। ठीक है, जब हम अगर थोड़ा हिस्टोरिकल देखें, ठीक है, तो जहाँ तक बुक कवर करती है 2014 तक, ठीक है, तो हम देखते हैं कि फीमेल लिटरेसी रेट उस टाइम तक बहुत ज़्यादा लो था पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये तो अभी रिसेंट कुछ 2000 के बाद से जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हमने किए हैं तो उसके बाद से एजुकेशनल सेक्टर थोड़ा सा बेहतर हुआ और लिटरेसी रेट जो है हमारा बेहतर होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन पहले अगर हम देखें तो लिटरेसी जो इवन खास तौर पर फीमेल का लिटरेसी रेट था वो बहुत ज़्यादा कम था। कराची में एक मेट्रोपॉलिटन कंट्री सिटी है, ठीक है, पाकिस्तान का, और उसमें जो उसका जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, वो उस टाइम पे 55% था। ठीक है, 1981 में अगर हम देखें एंड वॉज ओनली 8.2% इन बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान का अगर कराची का हम कंपैरिजन करें तो बलोचिस्तान में जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, यानी 8.2% सिर्फ फीमेल जो थी वो लिटरेट थी या लोग लिटरेट थे। ठीक है, और जो कराची था, ठीक है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी था तो इस यहाँ पे 55% लोग जो हैं वो लिटरेट सी की डेफिनेशन के अंदर आ रहे थे। रूरल लिटरेसी रेट फॉर वुमेन इज लेस देन 1%। ठीक है, रूरल सेक्टर के अंदर हमारा जो लिटरेसी रेट था वो 1% से भी लेस था। ठीक है, बलूचिस्तान में पॉसिबली लोअस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ये अगर हम पूरे वर्ल्ड का कंपैरिजन कर लें तो ये सबसे कम हमें जो लिटरेसी रेट मिलता है वो हमारे बलूचिस्तान में था। ठीक है, डाटा फ्रॉम सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर SPDC जो है वो एक सेंटर है जो कि सोशल इंडिकेटर्स को मेजर करता है। उन्होंने एक एनुअल रिपोर्ट निकाली 2011 और 12 की। उस रिपोर्ट में वो बताते हैं कि ग्रॉथ जो इनरोलमेंट थी एट प्राइमरी लेवल ऑफ कंट्री वॉज 92%, यानी इनरोल 92% लोग जो हैं वो इनरोल हो रहे थे। ठीक है, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन के लिए, एंड प्राइमरी बेसिकली होती है 1 to 5।
ठीक है, एंड वॉज 69% इन 1992-3, यानी कम हो गया था 1992 में जो है वो ये 69% था, और 2011-12 में ये 92% तक इम्प्रूव हुआ. लिटरेसी रेट पाकिस्तान का अगर हम देखें 1951 से 2019 तक, ठीक है, हम क्योंकि करंट को भी साथ लेकर चल रहे हैं ताकि चीज़ें आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आसान रहे, ठीक है. अगर 1951 में हम देखें तो हमारा जो टोटल लिटरेसी रेट था वो 13.2% था, ठीक है. इसमें से अगर हम सेग्रीगेट करें तो मेल जो थे वो 17% थे और फीमेल 8.6% थी. 1961 में 10 साल के बाद देखा हमने कि टोटल जो लिटरेसी रेट था वो 5% इम्प्रूव हुआ, यानी 18.4% आया, ठीक है. फीमेल इसमें से मेल जो प्रोपोर्शन था उसका 26.9% था और फीमेल जो था वो 8.2% था. इसी तरह अगर 1972 की बात करें, ठीक है, यानी हमने 10 ईयर्स का गैप लेके डाटा लिया है ताकि हमें टोटल ट्रेंड नज़र आ सके कि किस साल में किस डिकेड में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है. 1972 में देखें तो 21% टोटल हमारा लिटरेसी रेट था, ठीक है, और मेल जो थे वो 30.2% थे और साथ जो फीमेल थी 11.6% थी. ओवरऑल फीमेल्स में से 11.6% लिटरेट थी और ओवरऑल मेल जितने भी इकॉनमी के अंदर अवेलेबल थे उनमें से 30.2% जो है वो लिटरेट थे, ठीक है. हम इसको इस तरीके से लेके चल रहे हैं. 1981 में अगर हम देखें तो 26.2% ओवरऑल लिटरेसी रेट था और मेल्स परसेंट जो थे उनका 35.0 था और जो फीमेल थी उनका 16% था. 1990 में 34.9% था ओवरऑल लिटरेसी रेट और मेल जो थे उनका 45.1% और फीमेल का जो था वो 20.9%. 2000 में आएगा, ठीक है, 2000 में बेसिकली जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुई लिटरेसी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स करने स्टार्ट किए और पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की लेकर आए जिससे हमारा जो एजुकेशनल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ. 2000 में देखें अगर तो लिटरेसी रेट ओवरऑल जो था वो 47.1% था, मेल जो है वो 59% थे और फीमेल जो लिटरेट थी वो 35.4% थी. यहाँ देखें कि 8.6 से स्टार्ट हुआ थे हम 1951 में और अब जो लिटरेसी रेट था वो 35% था, जो कि बहुत इंप्रूवमेंट आई हमारे लिटरेसी रेट में, खासतौर पे अगर फीमेल्स की बात करें. 2012 में अगर हमने देखा जब तो ओवरऑल लिटरेसी रेट हमारा 58% था, मेल जो है वो 70% लिटरेट थे और फीमेल जो है वो 47% लिटरेट थे, ठीक है. अब अगर हम रिसेंट देखें 2019 और 20 का डाटा देखा हमने जब, तो हमारा लिटरेसी रेट एज सेम एज 2012 ही है, क्योंकि अब एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं होते, बजट का एक खास जो हिस्सा एजुकेशन के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हिस्सा रखा जाता है, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर के लिए. तो हमारा जो लिटरेसी रेट है ओवरऑल वो 58% ही है, ठीक है. मेल जो है वो 2012 से कम जो है वो रह गए हैं, 69.29% जो है वो सिर्फ लिटरेट हैं और इसी तरह 69.29 जो है वो फीमेल लिटरेट हैं, सही. बट इट वॉज द फैक्ट दैट बॉयज़ आर मोर इनकरेज टू अटेंड द स्कूल. ये हमारा कल्चरल और सोशल नॉर्म बनी हुई है कि रूरल या रूरल एरियाज हों या फिर अर्बन एरियाज हों, ठीक है, तो हम बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि उनको उनका ये सेट माइंड होता है कि जो ये हमारा फ्यूचर में ये अगर कुछ बन जाएंगे पढ़ के तो ये हमारे फ्यूचर में सपोर्ट करने के लिए जो है वो अवेलेबल होंगे. लेकिन गर्ल्स को चूँकि उन्होंने जो है वो शादी करके दूसरे घर भेजना होता है तो वो उनको एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रेफर नहीं करते, ठीक है. अब जो SPDC की रिपोर्ट थी वो हमें प्रोवाइड करती है नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर डाउनवर्ड लिटरेसी रेट, ठीक है, कि लिटरेसी रेट जो हमारा डाउनवर्ड हुआ, ठीक है, हमारा क्यों डाउनवर्ड है या लिटरेसी रेट हमारा कम क्यों है दुनिया से, उसकी कुछ रीजंस भी बताते हैं हमें, ठीक है. फेल इन द एक्सपेंडिचर ऑन लिटरेसी, ठीक है, सबसे बड़ा एक जो इसके पीछे हमें एक रीज़न नज़र आती है वो ये कि हमारा जो एक्सपेंडिचर का शेयर है जो एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है. ऑन पंजाब एंड NWP एंड ग्रो इन बोथ सिंध एंड बलोचिस्तान, ठीक है. फिर 1990s में हमने देखा कि पावर्टी लेवल जो है वो राइज हुआ फ्रॉम 17% इन लेट 80s टू 33%, ठीक है.
दूसरी हमारी रीजन क्या है कि एक तो हमारा जो शेयर है एजुकेशन का वो कम है, दूसरा ये कि हमारी पावर्टी भी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है या शेल्टर के लिए पैसे नहीं है, तो वो अपनी एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंसेस को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते हैं। वो एजुकेशन को एक लग्जरियस प्रोडक्ट या फिर एक जो उनकी सेकेंड प्रेफरेंस पे उसको रखते हैं, ठीक है। सो एजुकेशन के ऊपर वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, ठीक है। 1990s में हमारा जो पावर्टी लेवल था वो 17% था, और 80s में अगर हम देखें तो जो कि 33% था, ठीक है, एट द एंड ऑफ 1990s। स्कूल एनरोलमेंट जो है वो राइज हुई एज इनकम राइजेस, ठीक है। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारा हम देखते हैं कि स्कूल इनरोलमेंट रेट भी राइज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कंट्री प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव होता है, यानी कंट्री का जीएनपी पर कैपिटा या इनकम पर कैपिटा इम्प्रूव होती है, तो हमारा पावर्टी तो हमारी कम होती ही है, साथ साथ हम देखते हैं कि इसका एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है एजुकेशन के साथ भी। अच्छा, अब इश्यूज देख लेते हैं थोड़े से कि जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसमें हमारे इश्यूज क्या क्या हैं। इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन सिस्टम का, एज डिजाइन बाय ब्रिटिश, वर टू अटेन सफिशिएंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वेस्टर्नाइजिंग द कल्चर, ठीक है। हम बेसिकली इंडिपेंडेंस के काफ़ी अरसे तक जो है हम ब्रिटिश का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम जो है वो फॉलो करते रहे। अब ब्रिटिश ने जो अपना एजुकेशन सिस्टम पॉलिसीज जो एजुकेशन से रिलेटेड बनाई हुई थी, उनका मेन मोटिव क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वर्कर्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बन सकें या गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकें। और साथ साथ उनका दूसरा मोटिव इसके साथ जो था वो ये था कि वेस्टर्नाइज कर सकें अपने कल्चर को, ठीक है, कल्चर को कल्चरल इम्प्रूवमेंट की जा सके, ठीक है। अब ये सारे ऑब्जेक्टिव जो थे ये सर्व कर रहे थे बाय सेपरेटिंग लोकल लैंग्वेज मीडियम स्कूल्स, ठीक है, फॉर द मैसेज फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स फॉर एलीट, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया हुआ था कि जो जिन लोगों को हायरिंग करनी थी या हायरिंग होने के चांसेस होते थे उनको तो मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर जो है वो पढ़ाया जाता था, ठीक है। और जो पुअर क्लास थी जो पुअर क्लास थी उनको तो लोकल लैंग्वेज के मीडियम स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाता था, लेकिन जो एलीट क्लास थी उनके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो हैं, तो ये जो लैंग्वेज की बेसिकली डिस्पैरिटी है इन एजुकेशन सेक्टर, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अभी भी इवन हम अगर देखें तो हमारे जो ज़्यादातर देहात हैं, ठीक है, अगर वहाँ पर जाके हम एजुकेशन सिस्टम देखें तो अभी भी उर्दू मीडियम पढ़ते हैं या फिर लोकल लैंग्वेज मीडियम जो है उसको पढ़ा जाता है, यानी मैथ्स या साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी वो उर्दू में पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। सो इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज को, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम को वहाँ पे अभी भी प्रमोट नहीं किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए डिजास्टर है। आफ्टर इंडिपेंडेंस कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डिवेलपमेंट हैव चेंज एंड पैटर्न ऑफ अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि क्योंकि हमने ये देखा कि इंडिपेंडेंस से पहले हम जो है वो ब्रिटिश का जो एजुकेशनल सिस्टम था वहाँ उसको फॉलो कर रहे थे। अब जब इंडिपेंडेंस हो गई, हम अलग एक कौम बन गए, तो क्या हुआ कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंस के बाद कंपल्शन आ गई कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट भी हमने अब अपनी करनी थी, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो तो पावरफुल थे पहले ही, उनको इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट के लिए जो है वो एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम एक न्यूली इमर्ज इकोनॉमी थे तो हमें इसके लिए अपनी सोशल और इकोनॉमिक डिवेलपमेंट के ऊपर काम करने की उस टाइम पे बहुत जरूरत थी। हैव चेंज द पैटर्न अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सो जितनी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी उनका उनका पैटर्न जो है हमारे पास वो चेंज होता गया। अब इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट क्या थी कि लार्ज वैरायटी हमें स्किल्स, नॉलेज एंड इक्विटी इन इनकम एंड एक्सेस टू इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर राइज, ठीक है। हमारी इकोनॉमी की बेसिकली रिक्वायरमेंट ये थी कि हमारी जो लेबर है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्किल हो, नॉलेज हो और इक्विटी बेस्ड एजुकेशन जो है वो अवेलेबल हो कंट्री में, ओवरऑल द कंट्री, ठीक है। किसी भी कंट्री, किसी भी एरिया में एजुकेशनल डिस्पैरिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ एंड एक्सेस टू इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर राइजिंग, क्योंकि हमने देखा कि इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है लोगों की, तो उससे इनरोलमेंट रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। सो हमारी एक मेन रिक्वायरमेंट ये भी थी कि लोगों की जो पर हेड इनकम है वो भी इम्प्रूव की जाए। 1970s में इस जो ये इश्यूज जो थे इनके ऊपर कुछ अटेम्प्ट्स की गई, ठीक है, मेजर अटेम्प्ट्स की गई ताकि हम जो
एजुकेशन का बेसिक सिस्टम है या बेसिक उसकी जो नेचर है उसका प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकें। ठीक है, 1972 में भुट्टो ने क्या किया कि नेशनलाइज कर दिए जितने भी प्राइवेट स्कूल्स थे ना उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे भी ज़्यादातर जो प्रेफरेंस थी या ज़्यादातर बजट जो था वो प्राइवेट स्कूल के पास था। ठीक है, सो जो लोकल नेशनलाइज लेवल पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना इम्प्रूव नहीं था। तो भुट्टो ने क्या किया, क्योंकि वो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर आया था, ठीक है, उसने बहुत सारे जितने इंस्टीट्यूशंस थे उनको नेशनलाइज किया था, तो साथ साथ उसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने काफ़ी सारे जो थे उनको भी प्राइवेटाइजेशन से हटा के नेशनलाइजेशन की तरफ वो लेके आया। 1968 में जो था अगर हम देखें तो 11% स्कूल्स जो थे वो एंड 35% ऑफ कॉलेजेस आर इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, यानी एक बड़ा पोर्शन जो था 11% और स्कूल्स का और 35% कॉलेजेस का वो प्राइवेट सेक्टर के पास था। लेकिन 1972 में जब नेशनलाइज किया भुट्टो ने तो 3,067 स्कूल्स को नेशनलाइज किया। ठीक है, 155 कॉलेजेस को नेशनलाइज किया और साथ साथ 5 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो थे उनको भी नेशनलाइज किया। अब इस नेशनलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या आया, ये इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा स्वेयर थे क्योंकि 1972 से 79 तक जो प्राइवेट सेक्टर का शेयर था वो अब कम हो गया क्योंकि नेशनलाइज हो गए स्कूल सारे। ठीक है, सो ये एक पब्लिक एंटिटी बन गए और प्राइवेटाइजेशन के हाथ से ये चीज़ें निकल गई तो उनका जो शेयर था ओवरऑल बजट के अंदर वो भी कम हो गया। अब ज़िया का जो जब उसमें आया, ठीक है, पावर में आया तो ज़िया ने ये पॉलिसीज जो हैं वो दोबारा रिवाइज करवाई और अलाउ किया प्राइवेट सेक्टर को ताकि वो नए स्कूल जो है वो ओपन कर सके और जो पिछले कुछ स्कूल जो कि दोबारा प्राइवेटाइज होना चाहते थे उनको, जिनको भुट्टो ने नेशनलाइज कर लिया था, ठीक है, उनको भी परमिशन दी कि वो दोबारा प्राइवेटाइज हो सकते हैं। गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू कैटर द ग्रोइंग नीड्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ये रियलाइज किया गया कि गवर्नमेंट जो है वो ग्रोइंग नीड्स ऑफ एजुकेशन को कैटर नहीं कर सकती। ठीक है, सो प्राइवेट सेक्टर इज प्लेइंग इट्स रोल एंड डिवेलप्ड इनटू अ लार्ज बिजनेस वेयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ठीक है, सो प्राइवेट सेक्टर जो है वो ग्रोइंग सेक्टर है, ठीक है, उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो ग्रो कर सके, तो इसलिए एजुकेशन का जो सिस्टम है ज़्यादा वो प्राइवेटाइज कर दिया गया ताकि ग्रोइंग नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो सके इकॉनमी की। और हमने इससे देखा कि ओवरऑल बिजनेस पे क्या बहुत एक जो बिग इम्पैक्ट आया वो ये आया कि डिमांड जो है एजुकेशन की वो ज़्यादा होने लगी एज कम्पेयर टू supply of education. Government should encourage the efforts of private sector but also develop check and balance to ensure standard of facilities. ठीक है, government को privatize कर तो देना चाहिए लेकिन जो private institutions हैं, ठीक है, उनको उनके ऊपर एक check and balance रखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो standard और quality education without जो equality based education है, ठीक है, disparity को हटा दिया जाए अगर तो वो एक उसका चेक एंड बैलेंस जो है वो रखना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान स्टिल हैव अ लॉट ऑफ गोस्ट स्कूल्स। ठीक है, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि गोस्ट स्कूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, गोस्ट स्कूल बेसिकली वो स्कूल्स हैं ऐसे रूरल एरियाज के अंदर ऐसे स्कूल्स जहाँ पे ना तो टीचर्स अवेलेबल होते हैं और ना ही स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो हम उनको गोस्ट स्कूल का नाम देते हैं कि जहाँ पे एजुकेशन जो है वो बने तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही हैं लेकिन उनके अंदर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती और स्कूल ड्रॉप आउट रेट की वजह से वहाँ पे लोग आते भी नहीं हैं। ठीक है, हाई ड्रॉप आउट रेट्स आर अलार्मिंग इफेक्टिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर्स। ठीक है, अब जो पाकिस्तान के अंदर एक और जो बड़ा फिनोमिना ये है कि ड्रॉप आउट रेट्स जो हैं पाकिस्तान के वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ठीक है, लोग जो हैं वो स्कूल में एडमिशन या इनरोलमेंट तो करवाते हैं लेकिन ड्रॉप कर देते हैं आफ्टर प्राइमरी या फिर आफ्टर मेट्रिकुलेशन के बाद जो है वो ड्रॉप आउट कर देते हैं क्योंकि उन्हें बाकी जो डोमेस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको परफॉर्म करना होता है। ठीक है, ड्रॉप आउट टेक्स प्लेस फॉर नंबर ऑफ रीजंस। ठीक है, अब ड्रॉप आउट होते क्यों हैं, ठीक है, अब इनके पीछे भी बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारे पास। ठीक है, इकोनॉमिक ओवरऑल जो अगर हम देखें तो हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, हम लो डेवलपिंग कंट्री हैं जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती तो हमारा जो लोग हैं वो लेबर की तरफ जाना ज़्यादा लेयर और लेबर में जब ट्रेड ऑफ करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम अगर पैसा कमा लेंगे तो उससे हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी बजाय कि हम स्कूल जाएं।
ठीक है. सो एक्सटेंसिव एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉवर्टी हमारा रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है. पुअर, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें या फिर अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी की एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें. इसके साथ साथ क्या है, एक्सटेंसिव चाइल्ड लेबर, ठीक है. बच्चे छोटे ही होते हैं, प्राइमरी तक भी इवन बच्चों को स्कूल अटेंड नहीं करने दिया जाता, बल्कि उनको किसी ना किसी छोटी शॉप पे या वर्कशॉप्स के ऊपर जो है वो काम पे लगा लिया जाता है ताकि वो कुछ पैसा कमा के घर लेके आए. तो ये एक कुछ तरह की सोशल नॉर्म्स भी है, लेकिन लोग जो है वो ये करने पर मजबूर भी हैं क्योंकि एवर इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन है इकॉनमी के अंदर, इकॉनमी अनस्टेबल है, जिसकी वजह से लोग जो अपना डेली की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाते. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीइंग इन स्कूल इज हाई, जिसका मतलब ये, अब ये अगर एक इंसान जो है वो 8 घंटे स्कूल में गुजारता है, लेकिन अगर वही 8 घंटे वो किसी वर्कशॉप पर गुजारेगा तो उसको मंथली जो इनकम मिलेगी या उन 8 घंटों के इवज जो पैसे मिलेंगे वो फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज है. तो इसका मतलब है कि 500 रुपीज जो है वो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हुई उसके लिए, ठीक है. कि अगर वो उसको 500 रुपीज फॉरगो करने पड़ेंगे अगर वो 8 घंटे जो है वो स्कूल में गुजारे, सही. तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हाई है. कॉस्टली रीडिंग मटेरियल है, ठीक है. लोगों के पास अगर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता भी है लेकिन उसके पास इतना पैसे या इतने जो वसाइल हैं वो मौजूद नहीं होते कि वो अपने बच्चों को रीडिंग मटेरियल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें. पुअर मोटिवेशन अमंग पेरेंट्स एंड रिटेन देयर चिल्ड्रन इन स्कूल, ठीक है. पेरेंट्स के पास मोटिवेशन नहीं है, वो कहते हैं कि जी जो हमारे बच्चे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आए ताकि वो कुछ कमा के घर लेके आए, ठीक है. तो पेरेंट्स के पास कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो उनको एजुकेशन दिलाएं, क्योंकि एट द एंड एक इकोनॉमिक अगर हम नॉर्म देखें तो हमारा ये बना हुआ है कि एजुकेशन या डिग्री जो है वो आपको जॉब नहीं लेके देती बल्कि स्किल लेके देता है. तो वो ये उनका माइंड सेट होता है कि अगर हम बच्चों को स्किल ही प्रोवाइड कर दें स्टार्ट से तो वो जो है अच्छी जॉब में या कम से कम कमाने की जो प्रोसेस है उसके अंदर आ सकते हैं. परसिस्टेंट नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है. और साथ साथ हमारा क्या है कि परसिस्टेंट नेगेटिव एटीट्यूड है हमारा बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड. अब पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को थोड़ा सा देखते हैं कि लिटरेसी रेट की पाकिस्तान में करंट सिचुएशन क्या है. करंट जो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का वो 62.3% है, ठीक है. विच मीन्स दैट एन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ 60 मिलियन इज इलिटरेट इन द कंट्री, ठीक है. तो हम अगर अंदाज़ा ये ओवरऑल लगाएं तो हम कहते हैं कि 60 मिलियन जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो इलिटरेट है, ठीक है. वो जो पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं जानती, सही. और 2019 में पाकिस्तान का जो टोटल लिटरेसी रेट था वो तकरीबन 58% था, ठीक है. जो कि with less than 46.49% of women being literate and 69.29% of men जो है वो literate हैं, ठीक है. तो हमने देखा कि 50% से कम जो है वो female हैं और 70% तकरीबन around जो है वो male जो है वो literate हैं. Currently Pakistan has the world's second highest number of out of school children, ठीक है. पाकिस्तान उस लिस्ट में है जो कि तकरीबन सेकंड हाईएस्ट हैं हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के उस पर, यानी ड्रॉप आउट्स भी हो सकते हैं या फिर इनरोलमेंट हमारी कम है, ठीक है. विद एन एस्टिमेटेड 22.8 मिलियन चिल्ड्रन एज 5 to 16 नॉट अटेंडिंग स्कूल, ठीक है. 5 से 16 साल तक के लोगों का डाटा अगर जब लिया गया, ठीक है, सर्वे में, तो हमें यह पता चला कि 22.8 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो आउट ऑफ स्कूल है, यानी वो स्कूल अटेंड नहीं करते, रिप्रेजेंटिंग 44% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन दिस ग्रुप, ठीक है. अब 44% जो पॉपुलेशन है वो इस एज ग्रुप की, यानी 5 to 16 एज ग्रुप की, जिसमें से 22.8 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो स्कूल को अटेंड नहीं कर सकते, यानी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कल को किस तरह से आएंगे या फ्यूचर में वो किस तरह से अपनी इकोनॉमी को सर्व कर सकते हैं जबकि उनके पास बेसिक एजुकेशन ही अवेलेबल नहीं है. अब पाकिस्तान का रैंक देखें अगर एजुकेशन में, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा फोरम है जो कि सोशल इंडिकेटर्स को मैयर करता है, ठीक है. तो इसने 130 कंट्रीज का डाटा लिया है इन द वर्ल्ड फॉर ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ठीक है, ताकि ह्यूमन कैपिटल की एक रिपोर्ट बन सके. 2017 में ये रिपोर्ट आई थी, ठीक है, और इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान जो है वो 125th पोजिशन पे है, ठीक है, वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है. साउथ एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं, ठीक है, उनमें
सिर्फ श्रीलंका ऐसी कंट्री है जो कि टॉप 100 की लिस्ट के अंदर आती है, और उसकी भी जो पोजीशन है वो 70th पोजीशन है फॉर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, नेपाल की अगर हम देखें तो 98th पोजीशन है, और इंडिया की अगर हम देखें तो 103rd पोजीशन है इन वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम। जनरल प्रॉब्लम्स थोड़ी सी देख लेते हैं कि जनरल प्रॉब्लम्स हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर हैं क्या, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है कि आप इसको इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल प्रॉब्लम्स जब भी आप डिस्कस करेंगे किसी भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसको इंटैक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, सो और एजुकेशन का एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर या फिर हाउ टू इम्प्रूव द एजुकेशन पॉलिसीज। ठीक है, सो इन सब में आप ये प्रॉब्लम्स या ये जो तमाम फिगर्स हैं इनको ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, जनरल प्रॉब्लम्स अगर देखें तो एजुकेट हमारे पास बजट नहीं है। ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे हम एजुकेशन सेक्टर को अपना जो हमारा बजट है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ठीक है, लैक ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता। ठीक है, एट प्रोविंशियल लेवल एज वेल एज एट फेडरल लेवल। ठीक है, और अगर हम रूरल और अर्बन सेक्टर की बात करें तो अर्बन सेक्टर में तो चलो पॉपुलेशन जो एजुकेशन का सिस्टम है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन अगर हम रूरल सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स सिस्टम है वहाँ पे। ठीक है, लोग जो है वो स्कूल अटेंड नहीं करते, गोस्ट स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जब अगर टीचर्स की बात करें, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स की, ठीक है, तो उनकी क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन सेक्टर की। डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स हैं इसके अंदर जिनके जो कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमें। ठीक है, पुअर फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं स्कूल के अंदर, काफ़ी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे टॉयलेट्स की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। सही, तो फिजिकल बेसिकली फैसिलिटीज जो हैं बोर्ड या अवेलेबल नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स के पास चेयर्स या टेबल्स अवेलेबल नहीं है, तो फिजिकल जो है वो रिसोर्सेज उनकी इनएडिक्वेसी है। ठीक है, लैक ऑफ टीचर क्वालिटी है। ठीक है, टीचर्स के पास टीचर्स को इस तरह से स्किल नहीं किया जाता या उनको कोई ऐसी ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती कि वो बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकें, बल्कि टीचर्स भी जो है वो ऑब्वियसली जब टीचर खुद ट्रेन नहीं होगा तो वो बच्चों को ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग जो है वो नहीं दे सकता या उनको अच्छी एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। अब लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, पॉलिसीज जो एजुकेशन से आती हैं उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं करवाया जाता। ठीक है, फिर डायरेक्शन लेस एजुकेशन है हमारी, हमारी एजुकेशन की कोई डायरेक्शन नहीं है। बेसिकली हम बुकिश लैंग्वेज तो हम पढ़ा देते हैं अपने अर्बन लेवल के ऊपर, अगर हम देखें यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में हम बुकिश लैंग्वेज तो पढ़नी सिखा देते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट रियल लाइफ के अंदर कैसे करना है हम इसको नहीं सिखाते। यानी हम जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको स्किल्स या टेक्निकल जो एजुकेशन है उस वो हमें नहीं प्रोवाइड कर पाते, जिसकी वजह से जो है वो अपनी एजुकेशन को अपने जो लेबर वर्क है उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर पाते, और इसी वजह से हमारा जो लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई का गैप है या अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, वो भी उसके पीछे एक बड़ी रीज़न यही है कि हमारा जो ओवरऑल कैरियर में हम एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं वो हमारी जॉब के साथ रेलिवेंट नहीं होती, जिसकी वजह से हम अच्छी जॉब जो है वो अवेल नहीं कर पाते। लो इनरोलमेंट रेट है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा लो इनरोलमेंट रेट है हमारे रूरल प्लस अर्बन सेक्टर में, और अगर प्रोविंशियल सेक्टर पे देखें तो और हमारे पास वर्स सिनेरियो है। ठीक है, हाई स्केल ड्रॉप आउट्स हैं। ठीक है, लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे पॉलिसीज जो बना रहे होते हैं एज कम्पेयर टू जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको बताना चाहिए, या एजुकेशन एक मिनिस्ट्री है एजुकेशनल, उसको पॉलिसी बनानी चाहिए प्रॉपर कि एजुकेशन का बेसिकली मीडियम क्या होगा, मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या होगा, ड्रेस कोड क्या होगा, और कितने आवर्स की एजुकेशन, कितने क्रेडिट आवर्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एजुकेशनल सेक्टर को या एजुकेशनल जो मिनिस्ट्री है उसको डिसाइड करना चाहिए, और साथ साथ एजुकेशनल सेक्टर का जो बजट है उसको भी इम्प्रूव करवाना चाहिए।
अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कंटेंट से रिलेटेड आपसे क्यूरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हैप्पी लर्निंग।